वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो नेशनल इनकम पर आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस पे। और रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिस्कशन करने के साथ साथ आज हम अगर आप इसको अच्छे से कवर कर पाए, समझ पाए, तो हम जो है NFIA के बारे में भी बात करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड के बारे में भी बात करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आता है कि सर रेजिडेंशियल स्टेटस किसे कहते हैं। देखिएगा, आपको सबसे पहले दो चीजों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक सिटीजनशिप एक अलग चीज होता है और रेजिडेंशियल स्टेटस एक अलग चीज होता है। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या हुआ? निवासी। ठीक है, तो निवासी एक अलग अवधारणा है और आपका जो है नागरिक एक अलग अवधारणा है। मेरी बात आप समझने की यहां पर कोशिश करें। क्लियर है जी? एग्जाम्पल के लिए कुछ बातों को समझते हैं हम। जैसे कि दिल्ली के अंदर आपने यहां पर यह देखा होगा कि कुछ लोग जो है तिब्बती, जो कि चाइना से आप कह सकते हैं आए हुए हैं, जो कि मॉनेस्ट्री शॉप खुली हुई है दिल्ली में, मॉनेस्ट्री। इनको जो है यहाँ के गवर्नमेंट ने रहने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए जो है एक दुकान जो है वो अलॉट कर दी, ताकि अपना जो है पालन पोषण कर पाए। तो वो हमारे नागरिक तो नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर अब निवास करते हैं, यहाँ पर उनको जो है वो अर्निंग करते हैं, यहीं पर उसको एक्सपेंस कर देते हैं और अपना जो है पालन पोषण वो इसी धरती पर करते हैं। तो भले ही वो हम जैसे नहीं दिखने वाले हैं, भले ही वो उसका जन्म इस धरती पर नहीं हुआ है, लेकिन वो अगर हमारे देश में निवास करते हैं, रहते हैं, आय का सोर्स हमारा देश ही है उनका, और खर्च भी वो इसी देश में कर देते हैं, तो इस तरीके, और वो एक साल तक ऐसा कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज कमाया आज खर्च कर दिया तो वो हमारा देश का निवासी हो जाएगा। एक साल उसका मिनिमम टाइम पीरियड रहता है कि अगर एक साल तक वो जो है इस तरीके से करता है तो वो व्यक्ति वो हमारे देश का निवासी कहलाएगा। हाँ, मैं मानता हूं कि वो नागरिक नहीं हो जाता है। नागरिक तो वो होता है जिसको हमारे देश में हमारी सरकार चुनने का अधिकार होता है, वो हमारा जो है वो हमारा नागरिक होता है, मतलब जो वोट करता है, वोटिंग करता है। लेकिन वो लोग जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं, ठहरते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, वो लोग हमारे नागरिक नहीं होते हुए हमारे निवासी कहलाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास में दोनों ही चीजें हैं, और आपकी भी बात करूं तो आपके पास में दोनों चीजें हैं। आप नागरिक भी हैं और आप निवासी भी हैं, दोनों ही चीजें हैं। लेकिन नागरिक और निवासी दोनों अलग अलग बातें होती हैं। यहां पर मैं सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं रेजिडेंशियल स्टेटस की मैं बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए आप जरा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिएगा, जरा इस बात को आप समझिए। यहां पर भले ही ये इंडिया ओरिजिन के लोग हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ना, ये देखिएगा, भले ही ये इंडिया जो है इंडिया ओरिजिन के लोग हैं, नागरिक भारत के ही हों, लेकिन अब ये भारत में नहीं रहते हैं, ये बाहर रहते हैं, वहीं कमाते हैं और वहीं पर इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है और वहीं पर ये जो है रहते हैं, पालन पोषण वहीं पर करते हैं। तो ये भारत हमारे जैसे दिख रहे हैं, हमारे भारत के ही होने के बावजूद भी ये इंडिया का जो है रेजिडेंशियल स्टेटस इनके पास में नहीं रहेगा। ये जो है जहां जिस कंट्री में है, यूके के है, तो ये जो है यूके के ही रेजिडेंशियल कहलाएंगे। और उसी तरीके से ये देखेंगे आप साउथ अफ्रीका, जो भले ही मैं मानता हूं हमारे देश में मान लो इन्होंने जन्म नहीं लिया, ठीक है, लेकिन अब इसी देश में आकर के रहते हैं और आय का जो है सोर्स, इनकम का सोर्स और एक्सपेंडिचर इसी कंट्री में होता है और एक साल से ऊपर ऐसा चलता आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे रेजिडेंशियल है। तो ये देखिएगा, दूसरे कंट्री के लोग भी हमारे रेजिडेंस हो रहे हैं और हमारे खुद के जो यहाँ पे जिन्होंने जन्म लिया वो भी हमारे रेजिडेंशियल के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो आपको इस बात को समझना होगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब ये नहीं है कि आप फेस देख करके डिसाइड करेंगे कि हम जैसा दिखता है तो रेजिडेंशियल स्टेटस है, हम जैसा नहीं दिखता तो नहीं है। नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि वो अगर एक साल कोई भी व्यक्ति, कोई भी विशेष, कोई भी पर्सन एक साल जिस देश में रहता है, कमाता उसी देश में है, खाता उसी देश में है, खर्च उसी देश में करता है, वो व्यक्ति उस देश का रेजिडेंशियल स्टेटस उसको मिल जाएगा, वो व्यक्ति उस देश का निवासी कहलाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे आप? क्लियर है इस बात को? आप समझ रहे हैं? अब आप बताइएगा कि नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने एक इकोनॉमिक टेरिटरी का नाम भी दिया था उसको, और आपके दिमाग से निकालने में मुझे एक घंटा लग गया था कि पॉलिटिकल टेरिटरी अलग चीज होती है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी वो क्षेत्र, वो एरिया, वो जगह
वो सीमा जहां पर हम अपने लोगों को, हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, हम अपने कैपिटल को फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो जगह हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर में आएगा। वो भारत के अंदर भी जगह हो सकती सारी है, लेकिन कुछ जगह भारत के अंदर भी ऐसी हैं जो कि हमारे जहां पर अपने कैपिटल्स को, अपने गुड्स को, अपने सर्विसेज को, अपने पर्सन को हम मूव नहीं कर सकते हैं। लाइक एम्बेसीज, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। और अगर हम ऐसा विदेशों में कर पा रहे हैं तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो डोमेस्टिक इनकम में आपने इस बात को समझा है कि डोमेस्टिक इनकम के अंदर वो जो कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी पर जनरेट होगा, कौन है कमाने वाला उसको छोड़ो, भूलो, जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर जो इनकम जनरेट होगी वो डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। चाहे एक साउथ अफ्रीकन आता है, क्रिकेट खेलता है, मैन ऑफ द मैच लेके जाता है, प्राइज मिलता है, फ्लाइट पकड़ा और अपने देश साउथ अफ्रीका चला गया, लेकिन वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी पर इनकम जनरेट हुई, हम उसको बोलेंगे भैया हमारा डोमेस्टिक इनकम है, ये हमारी जीडीपी है। ये तो गलत बात हुई, हुई या नहीं हुई? तो जीडीपी के अंदर समस्या थी या नहीं थी, बताइए जरा, थी? अब आप इस बात को समझिएगा, भारत के अंदर एक एम्बेसीज है, वहां पर कोई भारतीय काम करता है, अखबार देता है, चाय पिलाता है, जो भी काम करता है, कोई इंडियन काम करता है, हम यूएस एम्बेसीज के अंदर जो कि इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर है, तो उस एम्बेसीज में उसको सैलरी मिली, जो कि भाई साहब यूएसए से मिलेगी, जाहिर सी बात है, तो उनको सैलरी मिली, वो यहीं पर रहेंगे, यहीं पर खाएंगे, यहीं पर खर्च करेंगे भारत में, कौन? जो इंडियन है। हम क्या कहेंगे? नहीं भैया नहीं, जीडीपी में आपकी इनकम शामिल हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी पर आपने जनरेट नहीं करी, तो आपको जीडीपी के बारे में आपको पता था कि वहां पर वो स्पेस जहां पर हम अपने गुड्स, कैपिटल एंड पर्सन को फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो स्पेस हमारा क्या होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, और उस पर जो इनकम जनरेट होगी, अगर हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी पर इनकम जनरेट हो रही है, भले कोई भी कर रहा है, चाहे भले करके फुर पार हो जाए, उससे लेना देना नहीं है कौन कर रहा है, बस हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी पर इनकम जनरेट हो जाएगी, तो डोमेस्टिक इनकम है। जो डोमेस्टिक ट्रिप इनकम जनरेट नहीं होगी, डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं होगी, हमने ये पढ़ा था जीडीपी के अंदर, क्लियर है जी? अब हमें पढ़ा रहा हूं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस, यहां पर मैं कहां की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पे कौन की बात कर रहा हूं, कहां इनकम जनरेट हो रही है, डजंट मैटर, ठीक है ना, कौन इनकम जनरेट कर रहा है ये मैटर करेगा, मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है? तो जीडीपी में कहां आय का सर्जन हुआ है, जीडीपी में कहां पर इनकम जनरेट हुई है, ये देखा जाता है जब भी जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, और नेशनल इनकम जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो ये देखा जाता है कहां पर है, वो छोड़ो, किसने किया है, कौन है करने वाला, अगर हमारा रेजिडेंस है तो वो हमारा नेशनल इनकम में शामिल होगा। तो आपको पता लगा जीडीपी बिल्कुल अलग है, नेशनल इनकम बिल्कुल अलग है, मेरी बात समझे नहीं समझे, लोग बात यूट्यूब पे आकर के ढिंडोरा पीटते रहते हैं, जीडीपी नेशनल इनकम जीडीपी, भैया दोनों बिल्कुल अलग चीज है यार, क्या बात कर रहे हो आप, मेरी बात समझे या नहीं समझे आप, क्लियर है जी भाई, बात समझ रहे हो कि जीडीपी क्या है और नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए क्या चीजें मैटर करती है, इनकम कहां जनरेट हो रहा है या इनकम कौन जनरेट कर रहा है, जल्दी से कमेंट करें और फटाफट आप अपना आंसर भी करें, जल्दी करें प्यारे, बताइए इनकम, मैं बात कर रहा हूं नेशनल इनकम की, तो क्या मैटर करता है, इनकम कौन जनरेट कर रहा है, क्लियर है जी? और कौन का मतलब क्या हुआ, हमारे रेजिडेंशियल, अब आपको पता है कि किसी भी देश का निवासी होने के लिए, रेजिडेंशियल स्टेटस पाने के लिए क्या जरूरी है, आप एक साल या उससे ऊपर उस देश में होना चाहिए, और उसका इनकम का सोर्स और एक्सपेंडिचर उसी कंट्री में होना चाहिए, तो आप उस देश के रेजिडेंस हो जाएंगे। अब आप ये मत सोचिएगा, यहां पर मेरी बात समझिएगा, एक डॉक्टर है, वो गया चाइना इलाज करके वापस लौट करके आ गया, उसको पैसा चाइना से मिला है, तो बताइए वो डॉक्टर हमारा रेजिडेंस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, वो चाइना में एक साल थोड़ी रुका है, मेरी बात समझे? तो नेशनल इनकम इसको शामिल करेगा अपने अंदर, क्योंकि हमारे लोगों की इनकम है, हमारे देश में खर्चा होना है भैया, बात समझे ही समझे, लेकिन क्या डोमेस्टिक इनकम में ये चीज शामिल होगी, बताइए जरा, डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं होगी, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट नहीं हुआ है, मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है जी, क्लियर है भाई, इस बात को समझ पा रहे हो आप? लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं, कुछ स्पेसिफिक केस को समझिए आप, ऐसे सिचुएशन ऐसे जहां पर आप एक से ज्यादा साल के लिए अगर रुकते भी हैं तब आप उस देश के निवासी नहीं बन पाएंगे, कुछ ऐसे केस हैं। कौन से केस? आप मान लो आप भारत के कोई भी जो है नुमाइंदे, मतलब कि गवर्नमेंट के कोई भी आप एम्प्लॉय हो और गवर्नमेंट काम से जा रहे हो, मान लीजिए आप एम्बेसडर है, सरकार ने आपको 3 साल के लिए भेज दिया अमेरिका, तो अब 1 साल से ऊपर तो आप रुक गए, वहीं पर आप जो है खर्चा भी कर रहे हो,
लेकिन सरकार के काम के पर्पस से गवर्नमेंट ने आपको दूसरी कंट्री में भेजा है, अब वहां पर आपके साथ में कंडीशन नहीं लागू होती है, आप कितने भी साल रह लो आप उस देश के रेजिडेंशियल नहीं होंगे, आप अपने ही देश के रेजिडेंशियल बने रहेंगे, आप अपने ही देश के सिटीजन में रहेंगे। मेरी बात समझे, क्लियर है मेरी बात समझे। अब आर्मी है, मान लीजिए यूएसए ने अपनी आर्मी को जो है ईरान, इराक, इन सब जगह पर जो है अफगानिस्तान में काफी वो 10 साल से उन्होंने लगा रखा था। अब क्या हुआ, अब एक आर्मी है अमेरिका का, 1 साल होते ही बोलेगा अच्छा 1 साल हो गया, अब तो मैं रेजिडेंशियल अफगानिस्तान का हो गया हूं, अब वो अमेरिका की तरफ कदम उठ देगा, अब तो मैं यहाँ के निवासी। अरे भाई साहब, कोई भी व्यक्ति जो सरकार के कार्य से कहीं पर किसी भी देश में कितने भी साल ठहर जाए, वो उस देश का कभी भी रेजिडेंशियल स्टेटस उसको नहीं मिलेगा, वो अपने ही देश का रेजिडेंशियल स्टेटस रहेगा। चाहे भारत का कोई एम्बेसडर कहीं पर कितने साल रह जाए, चाहे भारत का कोई आर्मी कहीं पर कितने साल किसी मिशन से रह जाए या कोई काम करे, कोई प्रोजेक्ट पे काम करे, तब भी वो चीजें नहीं होगा। दो केस बता दिया मैंने। तीसरा, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स अगर कहीं पर 5-5 साल की पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं वो वहां के रेजिडेंशियल हो गए। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर अगर आप 1 साल से ऊपर रह भी जाओ तब भी आपको रेजिडेंशियल स्टेटस उस देश का नहीं मिलता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है जी। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसके बात है कि कब उसको स्टेटस देते हैं। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं आपको, 1 ईयर का आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए नेशनल इनकम के अंदर कैलकुलेट करने के लिए वन ईयर का टाइम पीरियड देखते हैं उस पर्सन का। भाई समझ में आपको आया या नहीं आया बताइए जरा, हाँ और ना। क्लियर है जी, कोई डाउट है तो पूछिए। तो चलिए जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose center of economics interest, मतलब center of economic interest का मतलब कि earning भी वहीं से हो रहा है और खर्चा भी वहीं हो रहा है, interest also lies in that country. Normal residents include both individual and institutions. क्या कह रहे हैं, the residential lives or is located within the domestic territory and the residents carries out the बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अर्निंग, स्पेंडिंग, क्लियर है ना, अकोमोडेशन फ्रॉम दैट लोकेशन, तो वो उस देश का क्या हो जाएगा, वो रेजिडेंशियल स्टेटस को मिल जाएगा। क्लियर है जी। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंशियल, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर हु विजिट अ कंट्री फॉर, मेरी बात समझे, रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस एटसेट्रा, इस केस में वो हमारे रेजिडेंशियल कभी नहीं हो सकते या ना तो हम किसी के रेजिडेंशियल स्टेटस होंगे। क्लियर है। फॉरेन स्टाफ, एम्बेसीज, भारत में कितने भी साल रह ले वो अपने देश के रेजिडेंशियल स्टेटस उनको मिलेगा। कोई भी ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स, और इसी तरीके से आर्म्ड फोर्स, क्लियर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन, डब्ल्यूएच, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है भारत में 3 साल से, वो हमारे भारत का रेजिडेंशियल स्टेटस उसको नहीं मिलेगा। मेरी बात समझे समझे, ये कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं। क्लियर है जी। एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर एज द रेजिडेंशियल ऑफ द कंट्रीज दैट विच दे बिलोंग। अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, मान लो आप WHO में काम कर रहे हो, कोई भारत का ही नागरिक है, तो आप चाहे 5 साल भी आप विदेश में रहें लेकिन आप भारत के रेजिडेंशियल कहलाएंगे, आप वहां रेजिडेंशियल नहीं बन सकते हैं। क्लियर है। हाउएवर, इफ द एम्प्लॉय आर वर्किंग फॉर मोर देन 1 year in such international institution that they become the normal residential, a country in which such institution are located, at means in the given example that American is working in UNO office in India for more than 1 year, then he will be treated as the normal residential of India. Clear hai ji, samajh mein aaya aapko? Chaliye, अब अपना करो टेस्ट। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ नॉर्मल रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसीज इन यूएसए। बताइए जरा, क्या ये आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ नॉर्मल रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया, क्या ये हमारा रेजिडेंशियल होगा इंडियन ऑफिशियल्स? यस, हमारा होगा, क्योंकि हमारे ऑफिसर्स कभी भी
कहीं पर भी कहीं पे कितने भी समय काम करे वो हमारे रिजिडेंशियल होंगे, ऐसा हर देश के साथ में ये अप्लाई होता है। अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ, क्या ये हमारा, क्या ये टूरिस्ट हमारा रेजिडेंशियल होगा? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है? इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, क्या ये इंडियन हमारा रेजिडेंशियल है? बिल्कुल हमारा है, वो मैच देख के वापस लौट जाएगा। इंडियन वर्किंग इन द UNA ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर द लेस देन 1 ईयर, कोई इंडियन वर्किंग है, 1 साल से कम रहता है अमेरिका में, 1 साल से कम रहता है तो भैया वो हमारा ही रेजिडेंशियल स्टेटस को रहेगा। इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, जाहिर सी बात है कि अगर कोई इंडियन एम्प्लॉय है जो भारत में लोकेटेड है तो भैया वो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस रहेगा, क्योंकि वो भारत में कमा रहा है और भारत में ही खर्च कर रहा है। हाँ, डोमेस्टिक इनकम में उसके इनकम को शामिल नहीं करेंगे। मेरी बात समझे नहीं समझे? चलिए मैं बहुत सारी बातें आपसे फिर से रिपीट करके पूछता हूँ, जरा बताएं, आप कमेंट करेंगे फटाफट यस और नो करके करेंगे, ठीक है ना? यस मतलब आप कह रहे हैं कि शामिल करेंगे, नो मतलब कि करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है? फर्स्ट मेरे क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा आप, क्या है फर्स्ट, ये है, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन चेंज भी करूंगा मैं। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसीज इन USO, क्या इसको GDP में शामिल करेंगे? बताइए, क्या GDP में शामिल करेंगे? बोलो, GDP में इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसीज इन USO GDP में शामिल करेंगे? GDP में बिल्कुल शामिल करेंगे, क्योंकि UNO में जो हमारे एम्बेसी है वो हमारे GDP, हमारे कहां पे इनकम जनरेट हो रहा है ये देखते हैं, ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट हो रहा है, क्योंकि वो एम्बेसी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। तो यस, अब बताइए जरा, क्या नेशनल इनकम में शामिल करेंगे इसको? नेशनल इनकम में, बताइए नेशनल इनकम का भी आंसर क्या रहेगा आपका? यस, क्योंकि वो हमारा ही रेजिडेंशियल, नेशनल का मतलब कि हमारा रेजिडेंशियल है या नहीं है, उसको हमारा रेजिडेंशियल है वो, ठीक है ना? तो अब सवाल है कि वो हमारे रेजिडेंस है या नहीं है, बिल्कुल हमारे रेजिडेंस है वो। क्लियर है जी? चलिए, अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 मंथ, बताइए जरा क्या GDP में शामिल करेंगे? पहले बताइए, अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 मंथ, एक कोई जापानीज टूरिस्ट है 2 महीने के लिए भारत में रह रहा है, क्या हमारे GDP में शामिल होगी उसकी इनकम, जो भी वो कमाया है उसने, करें यहाँ कमाया क्या, घूमे खर्ची करेगा वो, और फिर भी मान लो कुछ कमाया है उसने, क्या शामिल करेंगे हम अपनी GDP में? बताइए जरा, अपने GDP में हम उसको शामिल करेंगे, क्योंकि वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है। मेरी बात समझे? क्लियर है? नहीं, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में यार, जापानी से तो क्या हुआ, GDP बस ये देखता है कि कहाँ इनकम जनरेट हो रहा है, और नेशनल देखता है कि कौन जनरेट कर रहा है। चलिए अब बात करता हूँ नेशनल की, अब बताइए नेशनल में कौन जनरेट कर रहा है, क्या ये हमारा रेजिडेंस है? जो हमारा रेजिडेंशियल होगा, जो हमारे रेजिडेंट्स होंगे, जो हमारे निवासी होंगे, उसी के आय को हम अपने राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, ये हमारा निवासी नहीं है तो इसलिए हमारे नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। बात समझे नहीं समझे आप? क्लियर है? इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, चलिए इसको हम बताइए, क्या ये हमारा हमारा निवासी है या नहीं है? बिल्कुल है, और इसलिए हम इसकी इनकम को नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। इंडियंस हुज वर्किंग इन UNO ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर, अब बताइए जरा क्या ये हमारे डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा या नहीं होगा? तो ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट नहीं हो रही है तो ये शामिल नहीं होगा। क्या हमारे जो है नेशनल इनकम में शामिल होगा नहीं होगा? हाँ, वो अभी भी हमारा निवासी है इसलिए यहाँ पर होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया नेशनल इनकम के अंदर ही शामिल, अब बताइए GDP में शामिल नहीं होगा, क्योंकि WHO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे भारत में है लेकिन वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, जो कि मैंने पढ़ाया था आपको, इसलिए हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, GDP में शामिल नहीं करेगा, लेकिन नेशनल इनकम में शामिल होगा नहीं होगा? बिल्कुल, वो हमारा रेजिडेंट्स है। क्लियर है जी? यस। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल, भैया ये हमारा रेजिडेंशियल नहीं है। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज, इंडिया के जो मुस्लिम्स है वो हज जा रहे हैं तो जाकर के वापस लौट करके आ जाएंगे ना वो, ठीक है, तो वो हमारे निवासी रहेंगे। मेरी बात समझे? चलिए, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल आर टू द डिफरेंट टर्म्स, एक्सप्लेन इट। अब आपको पता है कि सिटीजनशिप एक अलग कहानी होती है और रेजिडेंशियल स्टेटस एक अलग कहानी है, तो आइए जरा देखते हैं कि इसका क्या स्टेटस है।
इट इज बेसिकली अ लीगल कंसेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। भैया सिटीजनशिप के लिए तो देखा देखा जाता है क्या कि कहां पर उसका जन्म हुआ, ऑन द पर्सन ऑफ द सम लीगल प्रोविजन, कुछ लीगल प्रोविजन भी देखा जाता है, क्लियर है। और व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया ही एक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वो जहाँ से भारत का सिटीजनशिप मिल जाएगा, आपको कहीं पे इसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरत नहीं है। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर द सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउज हिम टू बिकम इंडियन सिटीजन, वो हमारे लॉ उसको अलाउ करेगा। सिटीजनशिप एक अलग चीज है। देखिए आ चाइनीज लिविंग इन इंडिया, ये इन होना चाहिए, इन इंडिया फॉर मोर देन वन ईयर इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल होगा। ही इज नॉट अ सिटीजन सिटीजन ऑफ इंडिया एज ही डज नॉट होल्ड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इट मीन्स अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेजिडेंशियल ऑफ अनदर कंट्री, क्लियर है जी, समझ में आया आपको। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, बच्चे प्यारे ये हो चुका है हमारा, क्लियर है, कोई डाउट अभी तक आप अभी बताइए जरा मुझे, क्लियर है यहां तक। किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज आप जरूर पूछिए। अब समय आ चुका है नेशनल इनकम में, अभी तक कुछ थ्योरी कुछ समझ पैदा करने की जरूरत थी वो पैदा हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपको एक बहुत अच्छा काम आपको सीखना है। अभी हमें क्या करना है, हमें समझना क्या है, देखिए एक हमारे पास में जीडीपी, और हमें जो है सबसे पहले आपको क्या तीन टर्म समझेंगे हम। अभी आपको बिल्कुल नया होगा आपके लिए शायद, और आपको भी कंफ्यूजिंग, आपको एनएफआई समझना होगा, आपको डेप्रिसिएशन समझना होगा, आपको एनआईटी समझना होगा, तीन चीजें समझनी होंगी आपको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और आपको फैक्टर को समझना होगा, और आपको मार्केट प्राइस समझना होगा। ये कुछ बात है, कुछ टर्म्स आपको समझना है, क्लियर है बच्चे। सिटीजनशिप जैसे आप भारत में आपका जन्म हुआ तो आप ऑटोमेटिक यहां के सिटीजन हो गए, लेकिन अब आप अमेरिका जाकर के रह रहे हैं, वहीं पर कमा रहे हैं, वहीं पर खर्च कर रहे हैं, और एक साल से ऊपर समय के लिए आप अमेरिका से में ही आप जाकर के अच्छे तरह से रहने के रह गए, बस गए वहां पर, तो अभी भी आप नागरिक तो भारत के ही रहेंगे, लेकिन अब आप निवासी अमेरिका के हो जाएंगे। तो सवाल यह है कि आपका सिटीजनशिप एक अलग चीज होता है और रेजिडेंशियल स्टेटस एक अलग चीज होती है, मेरी बात समझे, ये चीजें क्लियर है भैया आपको। तो आइए इन बातों को अब हम नेक्स्ट क्लासेस में अच्छे से क्लियर करेंगे, वन बाय वन करके इन बातों को हम अच्छे से वहां पर समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टॉपिक क्या कवर करवाऊंगा, एक तो एनएफआई कवर करवाऊंगा और एक डेप्रिसिएशन कवर करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस पे एक ही साथ बात होगी, और यहां पे जब बात होगी तो ऑटोमेटिक ये भी हमारा कवर होगा। देन फिर मैं आपको फॉर्मूला क्रिएट करना सिखाऊंगा, रीड करना सिखाऊंगा, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, जो भी ये फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, बस अगली दो क्लासेस हार्डली, और उसमें आपके पास तीन क्लास मान लो आप फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे, और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे नेशनल इनकम के। तो फॉर्मेट पढ़ाऊंगा पहले, इनकम मेथड क्या होता है, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक्सपेंडिचर मेथड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा, वैल्यूएशन मेथड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो अब ये सिलसिला अब आपका शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल लाइव क्लासेस में रहे बच्चे, लाइव क्लासेस का मजा लगाने वाला, रिकॉर्डिंग में आपको बातें चीजें दिक्कत करेंगी। हां जी सिक्ता, जहां आपका जन्म हुआ, अब आप कोई बच्चा, हां जी आईबीपीएस का हो गया है, देखिएगा अब आप ये सोचेंगे सर कि मान लो कि हमें अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए, तो कोई बेबी घर में है जो कि जन्म लेने वाली है, हम जस्ट उससे पहले अमेरिका चले जाएं और वहां पे उसका जन्म हो जाए, डियर ऐसे अलाउ नहीं होता है। फ्लाइट में भी एक टाइम पीरियड होता है कि किस सिचुएशन में आप जाएंगे, किस सिचुएशन में आप नहीं जाएंगे, और ट्रेन से तो अमेरिका नहीं जाएंगे ना, ट्रेन अमेरिका तक है ही नहीं, मेरी बात समझे नहीं समझे आप।
कैट बैच आप लोगों का चालू हो चुका है गवर्नमेंट जॉब कैट का। 2 दिनों से कुछ प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व कर ली गई है, लेकिन आपकी कंटेंट में वीडियो डाल दी गई है। आप प्लीज अपने कंटेंट में जाए, उस 2 क्लास को देख करके ही 3rd क्लास कल ज्वाइन करें। अदरवाइज 2 क्लास नहीं देखा तो 3rd क्लास ज्वाइन मत करना, कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले 2 क्लास देखोगे पूरा मजा लोगे इस टॉपिक का। मेरी बात समझे नहीं समझे, क्लियर है? तो कैट का बैच मैंने और गवर्नमेंट जॉब का मैंने बैच स्टार्ट करवा दिया है। अब मैं उस बैच में जो बच्चे हैं उनको फॉर्म भरवाऊंगा। फॉर्म कैसे फिल होना है, कैसे कहाँ से क्या करना है, तैयारी कैसे होगी, साइड बाय साइड ये बताऊंगा। कॉलेज का ऐसी कोई पढ़ाई है नहीं कि आप 12 घंटे लेके बैठोगे। क्लियर है जी? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। NFIA पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग अपने फ्रेंड्स को बता दें कि यूट्यूब पे कुछ प्रॉब्लम्स भी अभी आ रही हैं क्लासेस डालने वगैरह में हमारे, तो खैर यूट्यूब होता इसलिए है ताकि आप फीस सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लें कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो पहले चेक कर लें, कहीं पैसे देने से पहले उसको कर लें टेस्ट। तो वो टेस्ट करवाने के लिए यूट्यूब होता है और इसी पर्पज से हम आप यूट्यूब पे क्लासेस डालते हैं। क्लियर है जी? और उसके बाद एक एक नॉमिनल फीस जो कि बहुत नॉमिनल फीस होता है आप ये मान के चलिए, और इस नॉमिनल फीस आपका जो है 4 से 5 महीने में पढ़ाते हैं। इतना नॉमिनल फीस किसी की एक दिन की किसी एक गरीब व्यक्ति की, एक रिक्शा चलाने वाले की, एक दिन की जो दिहाड़ी होती है उसकी, उतनी फीस रखते हैं हम 4 महीने की। तो रिक्शा चलाने वाला जितना एक दिन में कमाता है उतना हम 4 महीने की फीस रखते हैं। 4 महीने, इतने नॉमिनल फीस रखते हैं बच्चों के वेलफेयर के लिए। और इससे ज्यादा और फेवर में अगर हम करेंगे तो जो स्टाफ है, जो सर्विसेज जिसकी आपको नीड होती है कि सर हमारे डाउट सॉल्व हो जाए, सर कंटेंट लग जाए, सर वीडियो अपलोड हो जाए, सर चीजें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो स्टाफ हम नहीं रखेंगे तो फिर वो चीजें आपको और उल्टी पड़ जाएंगी। वो आपको जो है वो जो नॉमिनल फीस है वो आपको वो ज्यादा नुकसान कर जाएगा, अगर वो भी अगर आप सेव करने की बचाने की कोशिश करेंगे तो, क्योंकि आपकी फीस आती है वो स्टाफ की तरफ तो वो जाएगी जाएगी। और स्टाफ ही नहीं होगा जब पैसे नहीं होंगे तो स्टाफ नहीं होगा, जब स्टाफ नहीं होगा तो आप बताइए वो जो 3 या 4 पिज्जा के बराबर का जो आपके फीस है वो फीस अगर नहीं आएगी तो आपके एग्जाम्स कितने डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो एक नॉमिनल फीस लेते हैं। तो यूट्यूब पे, और अब शेड्यूल बड़ा बिजी और हैक्टिक चल रहा है क्योंकि बहुत बच्चों ने भारी मात्रा में इस बार एनरोल्ड हुए हैं, उनको संभालना और उनकी क्वारीज को लेना बड़ा, तो टीम को हम सबसे पहले पेड पर हमने इस पर लगाया हुआ है। यूट्यूब की क्लासेस किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, कोई प्रॉब्लम लगातार आ रहे हैं YouTube पर, बार बार जो है हैकिंग का जो है वो इफेक्ट पड़ रहा है, तो कभी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि YouTube की क्लासेस जो है वो सारी की सारी उड़ जाए। ध्यान रखना, हमने 2-3 दिन से लगातार कोशिश कर रहे हैं बचाने की, बट आप ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इसलिए हम एप्लीकेशन पे क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है जी? बुक बिल्कुल भी कोई सी मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं यही काफी है, ध्यान रखना इसी कंटेंट को पढ़ना है। मिलते हैं फिर जी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।